और मेरे रेलवे ग्रुप डी वाले भाइयों, आपके क्या हाल हैं? रेलवे ग्रुप डी, अब फॉर्म भर के घर बैठ गए हो कि तैयारी भी कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि घर ही बैठे होगे, तैयारी तो कर नहीं रहे, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में भाई कम से कम 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरे हुए हैं और वैकेंसी है 70,000। अब आपको 1 करोड़ में से 70,000 बंदों में निकलना है, तो फिर आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। तो अब आपको पता होगा सिलेबस, नहीं पता तो देख लो सिलेबस, मैथ, रीजनिंग, जीके और आपकी जीएस, ये चार हैं इसमें, ठीक है? तो इन सब में से 100 क्वेश्चन आएंगे और उनको ढंग से करना होगा। तो अब देख लो, आप मैथ के लिए आप अभी से शुरू कर दो, अभी ने मैथ सर के चैनल पे देखना शुरू कर दो मैथ की वीडियो। रीजनिंग के आप मेरे चैनल पे वीडियो देख लो, ब्लड रिलेशन और मैंने कोडिंग डिकोडिंग की 2 वीडियो डाल दी। हनीसिंग ट्रिक से मैंने बताया आपको कोडिंग डिकोडिंग, आप चेक कर लो, लिखोगे हनीसिंग ट्रिक तो सबसे पहली मेरी वीडियो आएगी। जीके के मैं रोज़ डालता हूँ वोकेबलरी और जीके, वोकेबलरी की भी देखो, क्यों आप सीजीएल वगैरह दोगे तो उसमें काम आएगी वोकैब की भी, और जीके तो आपको देखनी है। जीएस भी आप मेरी वीडियो में से बना सकते हो, तो ये सब आपकी थी तैयारी करने की ट्रिक। तो भाई अब तैयारी करनी कैसे है, टाइम टेबल क्या होगा, तो टाइम टेबल भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अपना सुबह 6, 6:30, 7 बजे जो भी उठते हो, 6 से अपना 7 दौड़ मार के आओ, दौड़ मारनी ज़रूरी है क्योंकि फिजिकल भी है। फिर अब टाइम टेबल देखो, 8:30 से आपको 10:30, आपको 8:30 से 10:30 मैथ करनी है सुबह उठते के साथ मैथ, ठीक है? हो गई मैथ ख़त्म, 2 घंटे मैथ कर ली। फिर आपको 12:30 बजे से और आपको 1:30 बजे तक करनी है रीजनिंग, 1 घंटा रीजनिंग हो गई। फिर अब आपका बचा इंग्लिश, इंग्लिश तो आपको करनी नहीं है क्योंकि आपके पेपर में आ नहीं रही, और अगर आप सीजल वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश भी कर लेना। अब आप शाम तक मजे लो अपना, 7 बजे तक खेलो कूदो ऐश करो, फिर 7 से 9 1 घंटा इंग्लिश और 1 घंटा जीके आप पढ़ लो, और मेरी वीडियो भी इसी बीच में कहीं भी देख लो। तो बस इतना ही आपको बताना था कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, वीडियो आती रहेंगी, देखते रहो, आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी और आप कन्फर्म पेपर निकाल दोगे। अगर 6-7 महीने लगातार वीडियो देख लोगे तो आपका पेपर निकला निकला आया है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।